हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे पैरानॉइड एंड्रॉयड क्वार्ट्ज 3 के बारे में, जो कि ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 के लिए आ चुका है अपडेट, जो कि काफ़ी अच्छा अपडेट है। और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, इंस्टॉलेशन, और इसका मैं क्विक रिव्यू दूंगा एक। ऑलरेडी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, मैं क्वार्ट्ज 2 यूज़ कर रहा हूं पैरानॉइड एंड्रॉयड का। ये मोस्ट स्टेबल रोम है इस फ़ोन के लिए और मैं इसको डेली ड्राइवर की तरह यूज़ करता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ चेक अपडेट्स पर, जैसे ही हम देखेंगे तो आप देख रहे हैं क्वार्ट्ज 2। और आपको OTA अपडेट दोस्तों अभी नहीं मिलेगा, ये थोड़े टाइम के बाद आपको, अगर आप OTA के थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। और ये हम साइट ओपन करते हैं पैरानॉइड एंड्रॉयड की, और इसमें हम ब्लॉग्स पे चलेंगे और देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है इस अपडेट के बारे में, और क्या क्या चीज़ें इसमें चेंजेस किए गए हैं, और क्या क्या बेनिफिट हमें देखने को मिलेंगे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। और ये नीचे ही जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये फीचर्स इसमें ऐड किए गए, जैसे जून सिक्योरिटी पैच, फिंगरप्रिंट इम्प्रूव, फिंगरप्रिंट ऑन डिस्प्ले, नियो क्लियर और नोटिफिकेशन, मल्टी यूज़र सपोर्ट, डाटा स्विच वगैरह सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं, जो कि QoS सेटिंग पैनल में हमें डाटा स्विच का ऑप्शन जो सैमसंग के डिवाइसेस में मिलता था दोस्तों, वो देखने को मिलता है। और चलते हैं मैक्स प्रो M1 के सेक्शन में, और आप देखेंगे दोस्तों आपको पैरानॉइड एंड्रॉयड 3 जो कि क्वार्ट्ज 3 वर्जन है वो देखने को मिलता है, जो कि 1.3 GB के आसपास का अपडेट है। इसे मैंने डाउनलोड कर लिया है और इंटरनल जो अपना SD कार्ड है उसमें ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि मैं OTA का वेट नहीं कर रहा और मैं सीधा इसको फ्लैश करूँगा, इस कम्प्लीट फाइल को। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अब चलते हैं रिकवरी मोड में, फ़ोन को ऑन करेंगे। चलिए पहले ऑफ़ कर लेते हैं, फिर पावर एंड वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके ऑन करेंगे, जिससे मोबाइल जो बूट होगा हमारा वो रिकवरी मोड में बूट होगा। और कस्टम रिकवरी जो कि मैंने TWRP इंस्टॉल की हुई है दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पहले वीडियोस में देख चुके हैं, TWRP मैं स्टार्टिंग से ही एक ही वज़न यूज़ कर रहा हूँ, वो आपको मैं स्क्रीन पर दिखाऊँगा, वो काफ़ी स्टेबल TWRP का वज़न है। चलिए दोस्तों, फ़ोन बूट हो रहा है रिकवरी मोड में, ये देख सकते हैं दोस्तों, रिकवरी मोड 3.3.1-0, ये काफ़ी स्टेबल वज़न है इसका। और अगर आप, मैं इसको डर्टी फ्लैश करूँगा, मैं कोई चीज़ वाइप नहीं कर रहा हूँ, कैश डेल्वी कैश वाइप नहीं कर रहा हूँ, मैं एप्लीकेशन जितनी फ़ोन में एप्लीकेशन थी वो सारी एज इट इज़ ही रहेंगी। और आप अगर करना चाहते हैं डर्टी फ्लैश दूसरी रॉम पे हैं, तो आप सिस्टम और वेंडर का डाटा भी आप वाइप करके उसके बाद ही फ्लैश कीजिए। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्वार्ट 3 और इसे स्वाइप टू फ्लैश कर देते हैं, और आप देख रहे हैं दोस्तों ये फ्लैश होना स्टार्ट हो चुका है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलती है तो पहले आप क्या कीजिए, पहले जो रोम है एंड्रॉयड की, जो कि आप जानते हैं 63 वर्ज़न, जो कि काफ़ी आपको देखने को मिल जाए, टेलीग्राम पे भी देखने को मिल जाएगा, वो पहले फ्लैश कर लीजिए, उसके बाद कस्टम रिकवरी डाल के इस रोम को फ्लैश के लिए इजीली हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं ये अभी पैचिंग जो है वो हो रही है, और ये हो गया कंप्लीट, कोई एरर नहीं आ रहा, और ये हो चुका है सक्सेसफुल इंस्टॉल। और वाइप करेंगे कैश एंड डेल्वी कैश, और रिबूट करेंगे सिस्टम, और ये हमारा जो है अभी बोटिंग लोगो आपको पैरानॉइड एंड्रॉयड का वो देखने को मिलेगा। और स्टार्टिंग में दोस्तों किसी किसी डिवाइस में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसके लिए आप वेट कीजिए। और ये देखिए दोस्तों, अपना पैरानॉइड एंड्रॉयड का बूटिंग जो एनिमेशन है वो आप देख रहे हैं, काफ़ी सिंपल सा और काफ़ी यूनिक सा बूटिंग जो इसका एनिमेशन है वो है। और ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं फिंगरप्रिंट पैटर्न वगैरह, सिक्योरिटी पैटर्न है वही पहले वाला ही है, क्योंकि मैंने डर्टी फ्लैश किया है, सारी एप्लीकेशन एज इट इज़ हैं सारी की सारी। और फिनिशिंग सिस्टम अपडेट्स हो रहा है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ सक्सेसफुली जो इंस्टॉल हुआ है। चलते हैं सेटिंग्स में, सिस्टम्स में, एडवांस में, और पैरानॉइड एंड्रॉयड अपडेट्स पे, और नीचे जो ग्रीन कलर का सिंबल है इस पर क्लिक करेंगे तो चेक अपडेट्स आता है, चेकिंग फॉर अपडेट्स, और इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं क्वार्ट्ज 3 लास्ट चेक लगभग 3:45 बजे के आसपास का है।
तो ये हो चुका है कम्प्लीटली सक्सेसफुली इंस्टॉल। और उसके कुछ मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ दोस्तों जो उसमें बताए गए थे, जैसे कि जून का सिक्योरिटी पैच मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों जून का सिक्योरिटी पैच और एंड्रॉयड वर्जन 10 और बेस बैंड वर्जन, कर्नल वर्जन, सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ डाटा स्विच। आप देखते हैं सिम, मैंने ये सिंगल सिम यूज़ कर रहा हूँ, अगर डुअल सिम यूज़ होगा दोस्तों तो स्विच मोड जो सैमसंग के डिवाइसेस में देखने को मिलता है सिम 1 सिम 2 आप चूज़ कर सकते हैं। और ये आपको जो पेन कलर का शेप, जो ऑप्शंस का शेप होता है नीचे जिसमें QS जो सेटिंग्स मिलती हैं उसमें आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और डिस्प्ले में सिस्टम वॉलपेपर्स में जाएंगे तो आपको एक्सेंट कलर आपको मैं दिखा देता हूं दोस्तों चेंज करने का ऑप्शन, नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट। और ये चूज़ कलर में ये नए कलर्स ऐड किए गए हैं, इसी के बारे में बताया गया था उसमें। चलिए ब्लू कलर और ये ऊपर चूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा शाइनी सा ब्लू कलर। और नेक्स्ट शेप्स वगैरह में थोड़ा सा स्क्वायर शेप ले लेते हैं। और ये हो चुका है अप्लाई। ये देखिए दोस्तों कंप्लीट लुक चेंज हो चुका है इसका। और मेरे को जो सर्कल से ज़्यादा स्क्वायर जो शेप्स होते हैं दोस्तों, कर्वी से स्क्वायर के शेप्स वो ज़्यादा पसंद आते हैं। चलिए दोस्तों अब पबजी, जैसा कि आप सारे वेट कर रहे थे पबजी का कैसा परफॉर्मेंस रहता है इसमें दोस्तों, तो हमें इसमें देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट हो रहा है और मैं आपको ग्राफिक्स सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो रेजोल्यूशन की है और फ्रेम रेट की है वो क्या देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों ये स्टार्ट हो गया है पबजी और ये आ गया है सेटिंग्स में। चलते हैं और ये सेटिंग्स में चलते हैं और ग्राफिक्स सेटिंग्स, ग्राफिक्स में आप देखेंगे दोस्तों SD हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है और फ्रेम रेट हम हाई कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों, बाकी तो पुरानी रॉम्स में जैसा चलता था कोई स्टटर, कोई लैग, कोई कुछ देखने को नहीं मिलता, स्मूथली रन करता है पबजी, इसमें कोई इशू नहीं आता है। तो दोस्तों चलिए आगे मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो हमें आप बोलते हैं कि इंटरनल जो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है वो नेटिव कॉल रिकॉर्डिंग का, वो ऑप्शन हमें इसमें देखने को नहीं मिलता। और जो स्पीकर का आउटपुट है वो भी ठीक ठाक ही है। और चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो स्पीकर का आउटपुट है जो म्यूज़िक के ऊपर आपको दिखाते हैं YouTube चला के NGS ऑडियो। तो देखा दोस्तों आपने कितना लाउड वॉल्यूम था और काफ़ी क्लियर जो साउंड है वो आउटपुट था। और ब्लूटूथ में मैंने दोस्तों चेक किया कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ब्लूटूथ में भी कोई इशू नहीं आता। और एक इशू दोस्तों मेरे को देखने को मिला है इसमें कि वाईफाई के थ्रू जब हम ऑपरेट करते हैं थोड़ा सा डाउनलोड स्पीड है वो कम आती है। और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों वो भी हमें देखने को मिलता है, बट जो दोस्तों इंटरनल ऑडियो है वो भी है, अभी हम इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वॉइस ओवर जरूर कर सकते हैं, इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन अभी भी नहीं है। और ये कैमरा आप देख रहे हैं जो स्टॉक एंड्रॉयड का जो AOSP का जो कैमरा जो एप्लीकेशन है वो इसमें दिया गया है, इजीली कोई इशू नहीं है, सारे के सारे फीचर्स इसमें काम करते हैं, काफ़ी सिंपल एप्लीकेशन है ये। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ फिंगरप्रिंट जो अनलॉकिंग है वो भी कोई सही काम करती है, काफ़ी फास्ट है, स्टॉक रोम से तो फास्ट है। और फेस अनलॉक का ऑप्शन भी दोस्तों काफ़ी फास्ट है इसके अंदर, जो हमें आपको पता है कि अब जो लेटेस्ट जितनी कस्टम रोम आने लगी है उसमें हमें फेस अनलॉक का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। जैसा कि इस रोम में सबसे पहली बार दिया गया था फेस अनलॉक का ऑप्शन जो कि सिक्योरिटी सेटिंग में हमें देखने को मिल जाता है ये फेस अनलॉक, और काफ़ी फास्ट है दोस्तों, कोई इशू नहीं है, स्टॉक रोम से भी फास्ट है। तो ये था दोस्तों आज का रोम का रिव्यू, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में नीचे लिख के मेंशन कीजिए। और दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके ठीक।